फाइनली अब हम चेकआउट कर रहे हैं कॉर्बेट अरोमा पार्क से और हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। मिथुन जी है, मिथुन जी हमें उस दिन भी मिले थे। मिथुन जी डांस करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आप अगर आ रहे हैं रामनगर तो बिल्कुल कॉर्बेट अरोमा पार्क आइए, यहाँ पे स्टे कीजिए। फूड क्वालिटी बहुत शानदार है और यहाँ का जो एम्बियंस है आपको इतना बढ़िया लगेगा ना, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे चिड़ियों की चहचहाट के साथ और वॉक के लिए निकलेंगे यहीं पे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो हमारा स्टे तो काफ़ी अच्छा रहा है और अब चलते हैं आगे, यहाँ से निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। और भाई साहब आपका नाम क्या है? रजत। तो रजत जी भी मिल जाएंगे अगर आपको यहाँ आते हैं तो। सो अब कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी जर्नी को। और संध्या भी रेडी हो गई है, पापा बैठ चुके हैं, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों के सी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी। तो तैयार हो जाइए हमारे आज के सफ़र के लिए जो कि है रामनगर से हल्द्वानी का। अब हल्द्वानी में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे वहीं पहुँच के। हल्द्वानी का जो डिस्टेंस है वो है कुछ अराउंड 55 या 57 किलोमीटर रामनगर से, और जो टाइम टेकन 1.5 घंटा, वो इस टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 1.5 घंटा। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों का रूट है और थोड़ा सा बेंड्स वगैरह आते हैं तो स्पीड लो ही रहती है, स्लो ही रहती है। और हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा रामनगर में, काफ़ी मस्ती करी हमने। कल का दिन तो बहुत ही शानदार रहा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी गए, माता जी के मंदिर भी हुआ है, दर्शन भी अच्छे से हुए माता जी के भी और माता जी के वाहन के भी। और बस अब निकल पड़े हैं फिर से अगली डेस्टिनेशन के लिए। और कैसा लगा यहाँ रुक के आपको? बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स, मज़ा आ गया हमें सब। सो पापा को भी मज़ा आ गया, हमें ही मज़ा आ गया। सबको लग रही थी ज़ोरदार वाली भूख और अभी लिया है हमने एक स्टॉपेज ब्रेकफास्ट के लिए। और बात ही अलग है, पहाड़ में जाओ आप तो कुलचे वुलचे खाओ, अलग ही मज़े हैं। और ऐसे छोटे ढाबे मतलब छोटा घुमटी पे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो संध्या ने किए हैं मटर कुलचे ऑर्डर, जो कि यहाँ पे भैया बना रहे हैं कुलचे, और मैंने और पापा ने किए हैं ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर। तो पापा बैठे हैं वहाँ पर और ये भैया बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, बढ़िया वाला ऑमलेट है। सोडा लेमन शिकंजी है, जलजीरा है, बर्फ का गोला है। तो भाई मस्त ठूस ठूस के हमने खा लिया है और स्ट्रीट फूड की तो बात ही अलग होती है, मज़ा आ गया। ऑमलेट, छोले कुलचे आए हैं और बाद में जो लस्सी थी ना एकदम शानदार वाली, कैसा रहा? पेट उधम हो गया बिल्कुल, फुल पेट तो सबका पेट हो गया फुल, अब सीधे हल्द्वानी जाके रुकेंगे। तो फिलहाल हम हैं हल्द्वानी कालाडूंगी रोड पर और यहाँ पे लगा हुआ है भयंकर वाला जैम। और गूगल में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया है ये रेड दिखा रहा है इतना बात। सो फंसे हुए हैं जैम में, कम से कम आधा घंटा हो चुका है। और ये देखो आप, दूर दूर तक सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और संध्या को आ रही है नींद, लस्सी वस्सी पी के तो वो नींद निकालेगी और ट्रैफिक क्लियर होता है तो फिर चलते हैं आगे। पार्ट ऑफ जर्नी, क्या कर सकते हैं, पहाड़ों में तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक जैम मिलता ही मिलता है। तो जी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और अब जो हमने आपको बताया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने वाले हैं, पर वो चीज़ पहुँच के बताएंगे कहाँ पहुँचे हैं हम लोग। सो फिलहाल तो ऑन द वे ही है और मैप लगा दिया है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं उनके लिए भी सरप्राइज़ ये है कि हम आ रहे हैं, उनको पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं, उनके सरप्राइज़ देने वाले थे। देखते जाइए आगे आगे। तो भाई पहुँच चुके हैं फाइनली, जी हाँ फाइनली, और आए हैं चाचा और चाची से मिलने के लिए। तो ऐसा था कि हम चाचा चाची को देना चाह रहे थे सरप्राइज़,
और पापा से चाचा की बात हुई तो पापा ने बोल दिया हम तो नहीं आ रहे, और हमको बोल दिया कि तुम भी बोल देना हम नहीं आ रहे, सरप्राइज़ देंगे। और चाचा जाती हो गए थे गुस्सा कि बोले ये नहीं आएंगे तो हम भी इनके आने आएंगे। तो फाइनली भाई हम इनको सरप्राइज़ देने आए थे, पर दिक्कत ये हुई कि भाई गलियों में घूम घूम के हम सरप्राइज़ हो गए। और फाइनली चाचा को फ़ोन करके मैंने कहा कि चाचा लेने आ जाओ। सो अब यहाँ पे सास और बहू मिल गई हैं, तो सास कह रही है मैं बहू की सेवा करूँ, बहू कह रही है मैं सास की सेवा करूँ। मेरा रियल ससुराल है नैनीताल और ये मेरी छोटी सी सासू माँ, मेरी चाची। सो हमने प्यारी सी बहू, तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों ना मेरी सेवा कर लो। ओहो, तो वही इतना शानदार वाला यहाँ पे ना माहौल चल रहा है। चाची जो है चाचा के पीछे पड़ी हुई है कि जाओ और सब्जी लेके आओ, सब्जी लेके आओ, पूरी सब्जी मंडी उठा के ले आओ आज ही। और सब कह रहे हैं कि हमें सब्जी नहीं खानी है, उसके बाद भी चाची कह रही है सब्जी लाओ, और चाचा जो है चला गया बाहर, बोले जा रहा हूँ मैं। सब्जी पड़ी हुई है फ्रिज में। तो बस ऐसे हंसी मजाक चल रही है फैमिली में और मस्त वाला माहौल हो रहा है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं भयंकर वाला। तो चाचा चाची से आप मिल लिए, आप मिलो, आप बुआ से डंडी लेके आइए हमको मारने के लिए। किसको बोल रहा था? मैं यूट्यूब की चैनल चाचा, ये मेरे जो है बड़ी दीदी है मेरी। हाँ। मेरी बड़ी दीदी से मिलिए। हाँ। और इसको बोल हेलो, हाय करो, हाय 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 हाय। क्यों, तो सबको पता चलना चाहिए ना फैमिली। ससुराल आते ही पूरे ससुराल बहू वाली जिम्मेदारियां संभाल ली है, और खाना वाना सब बना रही है, मस्त वाला है, खुशबू एकदम शानदार आ रही है, सब कह रहे हैं। चाची और मैं मिलके बना रहे हैं। लाल दो सैलेड कट लिए यहाँ पे, मुँह में पानी आ गया खुशबू सूंघ के। सुबह दोनों सास बहू ने मिलके खाना बना लिया है और लग चुका है, बस खुशबू से मुंह में आ रहा है पानी, खाते हैं क्योंकि अब वेट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का सफ़र, और यहाँ आने के बाद, हल्द्वानी आने के बाद तो भाई मज़ा ही आ गया। इतने टाइम बाद सब फैमिली वाले मिले एक साथ, तो बस गप्पे शप्पे चल रहे थे, बातें शातें चल रही थी, खाना वाना खा के हम लोग बस बात करने बैठ गए थे और टाइम का पता ही नहीं चला। अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, क्योंकि आपको लेके जाना है कल नई जगहों पे, नई डेस्टिनेशंस पे घुमाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।